अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बनाना ट्राइफल। तो सबसे पहले हम बनाना कस्टर्ड बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। बनाना कस्टर्ड लिया है मैंने 4 टेबल स्पून भर के, चीनी ली है मैंने 8 टेबल स्पून, हाफ कप हम दूध लेंगे कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए, और 1 लीटर दूध चाहिए हमें कस्टर्ड तैयार करने के लिए। तो ये हाफ कप दूध में हम बनाना कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे। ये सारा हम इसमें डाल देंगे, तो इस सारे को मिक्स कर लेंगे। तो ये सारा मिक्स हो गया, कोई लम्स नहीं है इसमें। अब इसे हम साइड पे कर देंगे। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें हम दूध डाल देंगे। तो दूध हम इसमें डाल देंगे, तो हाई फ्लेम पे दूध को आप हल्का सा गर्म कर लें। दूध में हल्का सा बॉयल आएगा तो हम इसमें चीनी डाल देंगे। दूध में हल्का सा बॉयल आ गया, अब इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। चीनी दूध में मेल्ट हो गई है, अब ये कस्टर्ड जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। कप को हमने इस तरह रखना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये सारा हमने डाल दिया और अच्छे से इसे मिक्स कर लें। आपने इसे चलाते जाने वरना इसमें लम्स रह जाएंगे अगर आप चलाएंगे नहीं। तो ये हमारा कस्टर्ड तैयार है। फ्लेम को आप बंद कर देंगे, हाई फ्लेम हमने रखी हुई थी, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इसको ठंडा कर लेंगे। कस्टर्ड को हमने अच्छे से ठंडा कर लिया। लेयर्स लगाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, प्लेन केक लिया है मैंने हसबे ज़रूरत, ये मैंने खुद बनाया है घर में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्लेन केक की रेसिपी बनाना सिखाऊँ तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स करें। बिल्कुल आपको बेकरी जैसा केक मिलेगा जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। तो मैंने केक के एक पीस को 4 हिस्सों में काटा हुआ है। हसबे ज़रूरत हमें बनाना चाहिए। कोकटेल का एक टिन लिया जो तकरीबन 1 कप है। कोकटेल का जो सिरप है वही हमने लिया है, तकरीबन 1 कप है ये। कूटे हुए हमें पिस्ता चाहिए 1 टेबल स्पून, कूटे हुए हमें अखरोट चाहिए 1 टेबल स्पून, बनाना जेली चाहिए 1 पैकेट। एक पैकेट मैंने जेली का लिया, पानी गर्म किया 1 कप और उसमें ये जेली के पाउडर को मिक्स कर लिया और इसे जमा लिया और इसे क्यूब्स में काट लिया। तो ये बनाना जेली है और ये स्ट्रॉबेरी जेली है, इसे भी हमने इसी तरह किया है। और हसबे ज़रूरत हमें विप क्रीम चाहिए। बनाना ट्राइफल को तैयार करने के लिए हमें एक बोल चाहिए, उस पर हम ये प्लेन केक लगाएंगे। इसको हम इस तरह सेंटर पर भी लगाएंगे। अब इस पे ये सिरप लगाएंगे, केक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये सिरप डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल डालेंगे। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें। तो ये हमने लगा दिया, अब इस पे हम लेयर्स लगाएंगे स्ट्रॉबेरी जेली की। तो स्ट्रॉबेरी जेली भी हमने लगा दी, अब इस पे हम कस्टर्ड डालेंगे। तो ये हम इसमें डालेंगे, इसको सारा सेट कर लेंगे। तो कस्टर्ड लगाने के बाद हम एक और लेयर लगाएंगे प्लेन केक की, तो इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेंगे। तो ये केक की लेयर लग गई। अब फिर से हम केक पे सिरप डालेंगे। आप बनाना काट के डालेंगे, तो ये बनाना आप काट के इसमें डालते जाएं। तो ये बनाना हमने काट के डाल दी, अब इसके ऊपर हम विप क्रीम डालेंगे। तो ये सारी की सारी इस तरह हम इसे लेयर्स दे देंगे। तो अब इसको हम सेट कर लेंगे। तो ये हमने सेट कर लिया, अब इस पे हम फिर से कस्टर्ड डालेंगे। तो ये कस्टर्ड इस पे जाएगा और इसको हम सेट कर लेंगे। तो ये सेट हो गया, अब इसे हम क्रीम से डेकोरेट करेंगे। तो ये इस तरह बनाते जाएंगे, दो उंगलियों के फासले पे हम इसे बनाएंगे।
तो क्रीम हमने लगा लिया, अब इसके साइडों पे हम जेली लगाएंगे। तो ये हम बनाना जेली लगाते जाएंगे। जेली हमने साइडों पे लगा ली, अब ये बनाना लगाएंगे। तो ये बनाना, इसके सेंटर में हम इसे डेकोरेट करेंगे क्रीम से। अगर आप चाहें ट्राइफल को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आप इस पे चेरी लगा सकते हैं, तो मैं इस पे चेरी लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर डालेंगे हम कुटे हुए अखरोट, तो इसके किनारों पे हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरह कर देंगे। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे कुटा हुआ पिस्ता। बनाना ट्राइफल बनके तैयार है। तो उसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। तो कस्टर्ड तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, हमने लिया है चॉकलेट कस्टर्ड 2 टेबल स्पून, दूध लिया है हमने 1/2 लीटर और चीनी लिए हमने 4 टेबल स्पून। सबसे पहले पैन में दूध डालेंगे, दूध को हल्का सा गर्म होने देंगे। जितनी देर दूध गर्म हो रहा है उतनी देर हम कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून हमने दूध लिया और इसको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया, इस साइड पे कर देंगे। दूध गर्म हो गया, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी को दूध में हल होने देंगे। चीनी दूध में हल हो चुकी है, अब हम इसमें कस्टर्ड डाल देंगे और इसको चलाते जाएंगे। बस इसे हल्का सा बॉयल आने देंगे, उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हल्का सा बॉयल आ गया, आप फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब हम तैयार करेंगे चॉकलेट ट्राइफल्स। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है, साथ में हमें चाहिए बिस्किट का चूड़ा हसबे ज़रूरत, व्हिप्ड की हुई क्रीम चाहिए, नट्स चाहिए हसबे ज़रूरत, चेरीज चाहिए और चाहिए वफ़र बिस्किट्स, और साथ में चाहिए चॉकलेट सॉस। तो हम एक ग्लास तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड अभी थोड़ा सा गर्म है, तो इसे डाल के हमने इसे ठंडा करना है फ्रीज़र में रख के 1-2 मिनट के लिए। तो इसे हम डालेंगे। तो ये ग्लास में हमने कस्टर्ड डाल दिया, अब इसे हम ठंडा करेंगे फ्रिज में रख के करीबन 5 मिनट के लिए। कस्टर्ड ठंडा हो गया, अब इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम हमने डाल दिया, अब इसके ऊपर बिस्किट का चूरा डालेंगे। बिस्किट का चूरा डाल दिया, अब इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डालेंगे। अब इसको उठाएंगे और इस डिश में रख देंगे और इसके ऊपर फिर से डालेंगे कस्टर्ड। अब इसके ऊपर डालेंगे ड्राई फ्रूट्स और डालेंगे चेरीज। और साथ में डालेंगे ये वेफर। तो तैयार है मजे का चॉकलेट ट्राइफल। इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। वनीला कस्टर्ड लेंगे हम, इसकी रेसिपी आप इस क्लिप में देख सकते हैं। वनीला कस्टर्ड बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, वनीला कस्टर्ड लिया हमने 2 टेबल स्पून भर के, दूध लिया हमने 1/2 kg, कप्स में होगा 2 कप, चीनी लिए हमने 4 टेबल स्पून। सॉस पैन में हम दूध डालेंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए। दूध को गर्म होने देंगे, दूध हल्का सा गर्म होगा तो इसमें चीनी डाल देंगे। दूध गर्म हो गया, अब हम इसमें चीनी डाल देंगे और चीनी को दूध में हल होने देंगे और थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। कस्टर्ड में दूध डाल देंगे बचा हुआ और इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया, अब इसे दूध में डाल देंगे। चीनी दूध में हल हो गई है, अब इसमें हम कस्टर्ड डाल देंगे। कस्टर्ड डाल देंगे, साथ मिक्स करते जाएंगे इसे।
इसे एक दो मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। अब आपने फ्लेम को लो कर देना है, पहले आपने मीडियम रखी हुई थी। एक दो मिनट हो गए, फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जेलीस लेंगे, बनाना जेलीस लेंगे, स्ट्रॉबेरी जेली लेंगे और साथ में ऑरेंज जेली लेंगे। इसमें मैंने एक कप पानी डाल के इसको बॉयल दिया और साथ इसमें जेली का पैकेट डाल दिया, तो जेली को जमा लिया। प्लेन केक लेंगे एक, कॉकटेल का एक कैन लेंगे, हसबे ज़रूरत चेरीज लेंगे, एक कॉकटेल का कैन लेंगे और उसका सिरप अलहदा कर लेंगे। व्हिप्ड क्रीम लेंगे हसबे ज़रूरत, इसकी रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी रेसिपी का लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले बोल लेंगे जिस बोल में हमने ट्राइफल को सर्विंग करना है, तो उसमें हम केक की लेयर लगाएंगे। अब इसके ऊपर सिरप डालेंगे, अब इसके ऊपर कॉकटेल डालेंगे। ये होगी दूसरी लेयर कॉकटेल की। अब हम जेलीस लगाएंगे, बनाना जेली, ऑरेंज जेली, स्ट्रॉबेरी जेली लगाएंगे। अब इस पे तीसरी लेयर हम कस्टर्ड की लगाएंगे। कस्टर्ड लगा लिया, अब फिर से हम केक लगाएंगे, अब इसके ऊपर सिरप लगाएंगे, जो बाकी का बचा हुआ कॉकटेल है वो सारा डाल देंगे। आप फिर से जेलीस लगाएंगे, ये सारी डाल देंगे जेलीस। अब इसके ऊपर डाल देंगे सारा कस्टर्ड जो बचा हुआ है। अब कस्टर्ड को सारा सेट कर देंगे। कस्टर्ड सारा सेट कर दिया, अब इसमें हम क्रीम लगाएंगे, व्हिप क्रीम लगाएंगे। अब इस पे चेरीस लगाएंगे, तो तैयार है मजे का फ्रूट ट्राइफल। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।